दोस्तों, अगर आप भी इंस्टाग्राम पर फेमस होना चाहते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम रील्स के ज़रिए जो है आप फेमस होना चाहते हैं, अगर आपके इंस्टाग्राम रील्स में वीडियो बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी दो बातें बताऊँगा और दोस्तों एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप अपने इंस्टाग्राम रील्स पर काफ़ी ज़्यादा व्यू ला सकते हैं। व्यू लाने से दोस्तों अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा होगा तो व्यू जब आएंगे आपके इंस्टाग्राम रील्स पर तो फॉलो भी आपको काफ़ी ज़्यादा कर देंगे और लाइक्स की कमी नहीं होगी दोस्तों, लाइक्स भी बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। अगर आप मैं दोस्तों जिन दो बातों को आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपके इंस्टाग्राम पर रील्स में व्यू की बारिश होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि इंस्टाग्राम रील्स पर व्यू कैसे लाए जाते हैं। और दोस्तों एक ट्रिक भी आपको बताने वाला हूँ वीडियो के एंड में, उस ट्रिक को भी आप जरूर देखिएगा और जो दो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी आप जरूर सुनेगा और उसे फॉलो जरूर करिएगा, तभी जो है आपके इंस्टाग्राम रील्स पर व्यू की बारिश होने लगेगी। दोस्तों वीडियो को करते स्टार्ट, मैं हूँ सूरज कुमावत, आप देख रहे हैं टेक्निकल सूरज कुमावत। चलिए वीडियो पॉइंट है दोस्तों कंटेंट। जी हाँ दोस्तों, आपको कंटेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, कंटेंट को आपको ध्यान रखना है। पहले ही आपको सोच लेना है कि आप किस कंटेंट पर वीडियो बनाना चाहते हैं। अगर आपका कंटेंट ही नहीं होगा तो इंस्टाग्राम रील्स पर व्यू भी नहीं आएंगे, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, चाहे वो यूट्यूब भी क्यों ना हो। अगर आपका कंटेंट ही नहीं है तो आपके चैनल पर या फिर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर व्यू कैसे आएंगे। आपको एक कंटेंट पहले सोच कर लेना है, अपने हिसाब से आपको जिस कंटेंट में भी रुचि है उसके हिसाब से आप अपना कंटेंट चूज करिएगा दोस्तों। दोस्तों मैं आपको ऐसे तीन कंटेंट बताने वाला हूँ जिसके जरिए आप अपने इंस्टाग्राम रील्स पर काफ़ी ज़्यादा व्यू ला सकते हैं। अगर आप उन कंटेंट में अच्छे होंगे तो आपके इंस्टाग्राम रील्स पर काफ़ी ज़्यादा व्यू आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों पहला कंटेंट है डांस। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है तो डांस के आप वीडियो बना सकते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा व्यू आने के चांसेस है दोस्तों। और दूसरा कंटेंट है दोस्तों स्पोर्ट का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको खेलकूद में इंटरेस्ट है तो आप उसके भी वीडियो बना सकते हैं। और तीसरा जो कंटेंट है वो है दोस्तों कॉमेडी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अच्छी खासी कॉमेडी कर सकते हैं तो आप कॉमेडी के वीडियो जरूर बनाइएगा। कॉमेडी के वीडियो बहुत ही ज़्यादा चलते हैं दोस्तों, कॉमेडी के वीडियो पर काफ़ी सारे लाइक्स और जो है फॉलो भी आपको कर देंगे और इंस्टाग्राम रील्स पर व्यू की बारिश भी होने लगेगी दोस्तों, इंस्टाग्राम रील्स पर काफ़ी ज़्यादा व्यू आ जाएंगे। और दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कंटेंट जब अच्छा होगा, अगर आपका इंस्टाग्राम रील्स है दोस्तों, अगर आपको इंस्टाग्राम रील्स कोई एक जना देख रहा है आपका रील्स, तो वो रील्स को जो है पूरा देखे एक बार। अगर वो आपके रील्स को पूरा वॉच कर देंगे तो आपका जो रील्स है दोस्तों वो आगे और ज़्यादा रीच भेज देगा इंस्टाग्राम। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी जो रील्स है दोस्तों इतनी ज़्यादा मज़ेदार और जो इंटरेस्टिंग बनानी है ताकि आपका अगला जो बंदा आपको देख रहा है वो आपकी रील्स को पूरा वॉच करे, तभी आपका इंस्टाग्राम रील्स पर व्यू की बारिश होने लगेगी और काफ़ी ज़्यादा जो है व्यू भी आने लगेगी, फॉलो और लाइक भी। और दूसरा और सेकंड ऑप्शन है दोस्तों टाइप। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कंटेंट है डांसिंग का तो आप डांसिंग के ही वीडियो अपलोड करें। ऐसा नहीं कि पहले डांसिंग का वीडियो अपलोड कर दिया, फिर कोई दूसरा कर दिया, फिर किसी दूसरी आईडी का वीडियो आपने उस अपने अकाउंट में जो है अपलोड कर दिया, तो ऐसे व्यू नहीं आने वाले। आपको अपना खुद का कंटेंट बनाना है और खुद की रील्स ही डालनी है और आपका कंटेंट भी एक ही होना चाहिए। अगर आप डांसिंग के वीडियो अपलोड करते हैं रोज़ाना तो डांसिंग के ही अपलोड करें। और दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको रोज़ाना वीडियो अपलोड करनी है, रोज़ाना रील्स अपलोड करनी है। अगर आपके डांसिंग में इंटरेस्ट है तो रोज़ाना आपको डांसिंग का ही रील्स अपलोड करना है। अगर आप कॉमेडी करते हैं तो कॉमेडी का ही रील्स अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि दोस्तों आप मिक्सिंग में वीडियो डाल दें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तो आपको मिक्सिंग में काम नहीं करना है। अगर आप मिक्सिंग में वीडियो अपलोड करेंगे तो आपका इंस्टाग्राम जो है समझ नहीं पाएगा कि आपकी जो वीडियो की कैटेगरी है वो क्या है, इससे आपके वीडियो पर रीच भी बहुत कम आएगा और इंस्टाग्राम रील्स भी आपकी वायरल होती होगी तो भी नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों आप जो भी वीडियो बनाते हैं आप एक ही कैटेगरी के वीडियो अपलोड करें। आप अगर टैग के वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो एक ही कैटेगरी टैग के वीडियो अपलोड करें, मोबाइल का आप इन्फॉर्मेशन देते हैं मोबाइल के ही वीडियो अपलोड करें, डांसिंग का कथ है तो डांस के ही वीडियो अपलोड करें, मिक्सिंग में कंटेंट ना डालें तो ही आपके इंस्टाग्राम रील्स पर, अगर आप मिक्सिंग में कंटेंट नहीं डालेंगे तो दोस्तों आपके इंस्टाग्राम रील्स पर व्यू की बारिश होने लगेगी और काफ़ी ज़्यादा जो है व्यू। मैंने जो दो बातें आपको बताई है अगर आप इनको फॉलो करते तो आपके इंस्टाग्राम रील्स पर काफ़ी ज़्यादा व्यू आने लग जाएंगे। और दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है वो है ट्रिक है दोस्तों, वो है हैशटैग। जी हाँ दोस्तों, आप अपने इंस्टाग्राम रील्स पर
मैं जो आपको 5 ऐसे हैशटैग बताने वाला हूँ जिसके जरिए आप अपना इंस्टाग्राम रील्स को जल्दी से जो है वायरल कर सकते हैं और व्यू आने के चांसेस भी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर आप इन हैशटैग को यूज करते हैं। तो दोस्तों पहला हैशटैग है फीचर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये हैशटैग काफ़ी ज़्यादा अभी इंस्टाग्राम पर चल रहा है और ये हैशटैग अगर आप अपने रील्स पर लगाएंगे तो आपके रील्स पर व्यू आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और दूसरा हैशटैग है दोस्तों इंस्टाग्राम। जी हाँ दोस्तों, ये हैशटैग आपको सभी रील्स में लगाना है। तीसरा हैशटैग है रील्स का RELS। जी हाँ दोस्तों, ये हैशटैग भी आपको ज़रूर से लगाना है। और चौथा जो हैशटैग है दोस्तों रील करो फील करो, ये हैशटैग भी काफ़ी ज़्यादा जो है अभी फैल रहा है इंस्टाग्राम पर। काफ़ी ज़्यादा यूजर्स इसका इस्तेमाल करके अपने रील्स को वायरल कर रहे हैं। तो आप भी इन हैशटैग को जो है ज़रूर एक बार अपने रील्स में लगाइएगा दोस्तों। और जो पांचवा जो हैशटैग है दोस्तों वो है दोस्तों एक्सप्लोर पेज। जी हाँ दोस्तों, ये हैशटैग आपको ज़रूर लगाना है। अगर आप इस हैशटैग को अपने इंस्टाग्राम रील्स पर लगा देते हैं तो आपका जो एक्सप्लोर इंस्टाग्राम का जो एक्सप्लोर पेज होता है उस पर आपकी रील्स का जो वीडियो है दोस्तों वो चला जाएगा। इससे व्यू आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और दोस्तों फॉलो अगर वो अपनी आईडी में भी आएंगे तो आपको ज़रूर फॉलो करेंगे। आपके अगर आपके वीडियो अच्छे लगेंगे उसको और आपके वीडियो में कंटेंट अच्छा होगा तो आपको वो ज़रूर फॉलो करेगा। और दोस्तों इससे क्या होगा, आपकी जो रील्स है वो भी एक्सप्लोर पेज में जाने लग जाएगी। दोस्तों मैंने जो ये हैशटैग बताए अगर आपको इन इस्तेमाल करते हैं तो आपके व्यू की बारिश होने वाली है दोस्तों। आप इन हैशटैग को एक बार इस्तेमाल कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों वीडियो बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। और दोस्तों चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे और मैं भी आगे वीडियो अपलोड कर सकूं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हुआ है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपके इंस्टाग्राम पर रील्स पर व्यू आ गए हैं। दोस्तों कमेंट में आप सजेशन अपने दीजिएगा, मैं देखूंगा कि दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको और ज़्यादा सही से समझा पाऊँ। कमेंट आप ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।